वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपी साउंड एंड स्टाइल्स। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एफ मेजर स्केल फ्रॉम राइट हैंड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स और डाउट्स ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू ऑल कैन सी, दिस इज़ माई कीबोर्ड यामाहा PSR E453। और आज हम F मेजर स्केल राइट हैंड से सीख रहे हैं। तो जो F मेजर स्केल का हमारा ऑर्डर होगा वो नॉर्मल जो हम अभी तक तीन स्केल सीखे हैं C D and E, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें जो कीज़ हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें हम पूरा ऑक्टेव हमारा वाइट कीज़ पे है, लेकिन सिर्फ हमारे ऑक्टेव की एक की जो है वो है हमारी ए शार्प। सिर्फ ए शार्प एक ऑक्टेव में सिर्फ ए शार्प ब्लैक की है और बाकी सब वाइट कीज़ हैं। तो ये स्टार्ट ऑब्वियसली एफ मेजर स्केल एफ मेजर की से ही होगा स्टार्ट। तो जो हमारा फिंगर ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा ऑर्डर होगा फिंगर ऑर्डर। तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर है, लेकिन एज यू ऑल नो कि डिफरेंट चीज़ें ही हमें कीबोर्ड में अच्छा बनाती हैं। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वन, तो जो पहली की होगी हमारी वो होगी F major, then G major, then A, A sharp, C, D and E. फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट फिंगर जो है हमारी थंब वो आएगा हमारा F major पे। उसके बाद सेकेंड फिंगर आएगी हमारी G पे, देन A पे आएगा थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर विल कम ऑन A sharp, उसके बाद फर्स्ट फिंगर हमारी आएगी C पे, देन सेकेंड ऑन D, देन E पे आएगी थर्ड फिंगर एंड देन अगेन फर्स्ट फिंगर टू कंटिन्यू फॉरवर्ड। ओके, लेकिन अगर आपको ऑक्टेव को यहाँ ख़त्म करना है तो हमारे फोर्थ फिंगर से ऑक्टेव ख़त्म होगा। फिफ्थ फिंगर का हमारे इस ऑक्टेव में कोई भी यूज़ नहीं है, दिस इज़ यूजलेस। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर ऑक्टेव। तो चलिए आगे करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, यहाँ तक हमारा फोर्थ तक हमारा ऑक्टेव ये वाला एंड होगा। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, देन रिटर्न 4 3 2 1, देन 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1। ओके, ये हमारा फिंगर ऑर्डर होगा। आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। और फिर से एक बार फिंगर ऑर्डर हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1। ओके, ये हमारा फिंगर ऑर्डर होगा और कीज F, G, A, A sharp, C, D and E. उसके बाद F, G, A sharp, A, A sharp, G, C, D and E. इस तरीके से हमारा कंटिन्यू होता जाएगा। इसको आपको फुल फोर ऑक्टेव्स अगर आपके सिंथेसाइज़र में जितने भी ऑक्टेव्स हैं उतने आपको कंप्लीट करने हैं। और ये जो ऑक्टेव है ये एंड होगा हमारा, जो फिंगर एक्सरसाइज है वो स्केल एंड होगा हमारा फोर्थ आपका एफ पे। ओके, आपकी जो सिंथेसाइजर है उसमें जो भी लास्ट एफ मेजर की हो उस पर आपका ये एंड होना चाहिए। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।